नाज़रीन, लाहौर शहर में मुख्तलिफ जगह पर जो है गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पम्प लगाए गए हैं, जिनके ना तो कोई सेफ्टी मेजर्स हैं बल्कि ये किसी भी वक्त जो है एक बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। ये ताने देख रहे हैं आप, ये यूपीएस पड़ा हुआ है, वो बैटरी पड़ी हुई है और किसी भी वक्त हल्की सी चिंगारी से जो है हजारों जाने जो है वो दांव पे लगी हुई हैं। यकीन करें कि यहाँ पर पुलिस वाले गुजरते हैं, इंतजामिया के लोग गुजरते हैं, यहाँ से जो है पेट्रोल डलवा के जाते हैं और रिश्वत लेके जाते हैं। आप देख लेते हैं कि पैमाना पूरा आता है कि नहीं आता। 20 मिलीलीटर जो है ना कम है, 20 ml कम है बेटा जी। अक्सर पुलिस वाले आते रहते हैं ना, पैसे भी ले लेते हैं, उसके अलावा कुछ होते हैं पैसे नहीं लेते, पेट्रोल डलवा लेते हैं, कुछ सेल चल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, लाहौर शहर में मुख्तलिफ जगह पर जो है गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पम्प लगाए गए हैं, जिनके ना तो कोई सेफ्टी मेजर्स हैं बल्कि ये किसी भी वक्त जो है एक बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। ये मेरे पीछे आपको एक मशीन नज़र आ रही है जो कि एक मिनी पेट्रोल पम्प का इसने एक रुख इख्तियार किया हुआ है और ये PSO की जानब से जनाब यहाँ पर नसब की गई है। और ये बच्चा है, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक है जी। क्या नाम है मेरा बेटा आपका? सबूर। क्या? सबूर। सबूर जी। सबूर आ जाओ बेटा, इधर धूप है, छाँव में आ जाते हैं बेटा। बेटा ये कब से ये काम कर रहे हैं? मुझे एक हफ्ता हुआ अभी। एक हफ्ता करता हूँ ना, अभी फारिग हूँ तो मैं इस वजह से। दिहाड़ी लेते हो जी? कितनी दिहाड़ी लेते हो बेटा? मैं 1000 लेता हूँ। 1000 रुपये जी? एक दिन की जी? 1000 भी हो जाती है, नो सेल के हिसाब से होता है ना। ठीक है सेल। बेटा इसकी तो इजाज़त ही नहीं है। इस बात का इलम नहीं है मुझे। इधर आ जाए, इसकी तो बेटा इजाज़त ही नहीं है। नहीं, इस बात का नहीं इलम है मुझे। नहीं इलम आप? नहीं। ये गैर कानूनी है पता है आपको? जी अक्सर पुलिस वाले आते रहते हैं ना, तो तब पता लग जाता अक्सर। क्या पैसे लेके चले जाते हैं? पैसे भी ले लेते हैं, उसके अलावा कुछ होते हैं पैसे नहीं लेते, पेट्रोल डलवा लेते हैं, कुछ सेल्स कर जाते हैं। अच्छा। फिर बाद में लेके आनी पड़ती है, कभी कभार मुझे भी ले जाते हैं साथ ही। अच्छा, तुम्हें भी ले जाते हैं जी? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि यार बेटा ये गैर कानूनी है, इसको आप बंद करो, इसको सील नहीं कभी किया? सील करके जाते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले भी करके गए थे। अच्छा। तो वो क्या खोलना, जुर्माना भर देते हैं फिर खोल ली लेते हैं जी, जुर्माना भर के। किसी भी वक्त एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है जी। जी यहाँ पर कोई सेफ्टी मेजर्स हैं इसके? नो, कोई आला है आग बुझाने के लिए? यहाँ पर हल्की सी चिंगारी से कितना बड़ा हादसा हो सकता है? हो सकता है। हाँ, हो सकता है ना जी। ओनर का नाम क्या है, जो मालिक है? ओनर का नाम है मेरे ख्याल से उमेर। उमेर? उमेर। किधर है उमेर? उमेर मेरे ख्याल बाहर गए हुए। कब आता है? शाम टाइम आएंगे। पैसे लेके चले जाते हैं जी? कितनी सेल करके देते? सेल दिन दिन का फ़र्क होता है ना, छुट्टी वाले दिन ज़्यादा हो जाती है। वैसे आम रूटीन में 12 लीटर हो जाती है, 18-20। ये बच्चा है और ये बेचारा जो है यहाँ पर मजदूरी करता है और अपना और अपने माँ बाप का पेट पालने के लिए यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक बैठता है और 1000 रुपये दिहाड़ी लेता है। और ये देखें ज़रा, ये कितना बड़ा हादसा यार। ये देखो बेटा, ये UPS भी लगा हुआ है, ये चिंगाड़ी हल्की सी, हादसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ भी हो सकता है ना? कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार तो फिर जो इसने लगाया, अल्लाह वारिस है। अल्लाह वारिस ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। आपको पता भी है सब जी? बहुत सारे ऐसे वाक्यात हुए हैं। हुए हैं जी। इस पे तो वैसे ही पाबंदी है। और ये कितने का लीटर देते हैं आप? ये मेरे ख्याल 266 रुपीज का है, 260 रुपये। और जो सरकारी रेट है वो कितना है? उसका इलम नहीं है, मेरे ख्याल 5-6 रुपये ऊपर रख के बेच रहे हैं। 6-7 रुपये ऊपर रख के बेच रहे हैं आप? चलें इसका मेजरमेंट करवाएं ज़रा। ये पकड़े बोतल ना दें, ये जो है ये ईरानी तेल होता है और ये पेट्रोल पंप से लेके आए हैं? नहीं, इस बात का नहीं, ईरानी है ना? नहीं, इस बात का नहीं पता, ईरानी तेल ही है ना? बता दो। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे एक हफ्ता हुआ है। मैं कौन सा पहले पेट्रोल कहाँ से आ रहा है? मैं जब से मैं इधर हूँ ना, तब से नहीं आया, तब टैंकी के अंदर। टैंकी इधर आए, इधर आए, ये पीछे आओ जी, ये दिखाएं ज़रा, ये दिखाएं, ये जनाब ये टैंकी दिखाएं ज़रा, टैंकी दिखाएं। नाज़रीन, ये टैंकी आपको नज़र आ रही है और ये पीछे भी आप देख सकते हैं एक और मशीन है, ये दिखाएं, ये एक और मशीन आपको नज़र आ रही होगी और ये साथ UPS भी पड़ा हुआ है। और ये क्या है बेटा, ये क्या है, इसके अंदर क्या है? ये भी खाली है। और चलें इसका मेजरमेंट चेक करवाएं। ये ईरानी तेल होता है जी, और जो कि सस्ते दामों में ख़रीदा जाता है और फिर इसको महंगे दामों में बेचा जाता है। आए ज़रा इस बच्चे का आप देखते हैं मेजरमेंट। बेटा किस तरह के, कैसे लीटर दे रहे हो? 266। 266।
265 रुपये हैं जी, और जो इस वक्त रेट है वो 253 रुपये, आप कह रहे हो 607 रुपये, ये तो मेरा ख्याल है 12 रुपये महंगा दे रहे हो बेटा। नहीं इस बात का नहीं पता, चलो इसका मेजरमेंट करें, लीटर 265 का जी, लीटर करें देना इसको 1 लीटर। चले आप देख लेते हैं कि पैमाना पूरा आता है कि नहीं आता, ये अभी जनाब इसका मेजरमेंट होने होगा, और ये देखें जरा मशीन चल पड़ी है, और अब देखना ये है कि ये पूरा भी है कि नहीं, या ये महंगे दामों जो है बेचा भी जा रहा, ये तो बेटा कम है, नहीं तो नहीं होता बेटा, ये देखो ना मैं दिखाता हूँ, ये देखो बेटा, ये देखो इधर आओ ना, ये निशान ऊपर तक है, ऊपर तक ही आएगा ना, ये तो 20 मिलीलीटर जो है ना कम है, 20 ml कम है बेटा, नहीं इस बार का नहीं है, इस बार हंस रहे हो, अब ये 20 ml कम है, रेट भी 12 रुपये ज़्यादा आपका, ये 20 ml कम है, नहीं इस बात का नहीं, मेरा तो बस ढक्कन, इसको ढक्कन लगाओ जरा, ये 20 ml कम है, ये निशान ऊपर तक है ना जी, यहाँ तक ये कम है ना, हो सकता है, नहीं नहीं हो नहीं सकता, तो मैं इतना ही देता रहा हूँ ना, मुझे कम है इतना पता है कितना ही फुल है, ये देखिए 20 ml कम है, तो आप कह रहे हैं कम, आप नहीं, आप नजर आ रहा है आपको निशान कहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक होना चाहिए इसको जी, आप कह रहे हैं यहाँ तक होना चाहिए, ये 20 ml कम है, कम है होगा, क्यों कम है ना, क्यों कम है बेटा, मुझे नहीं इस बात का, मैं आपको कह रहा, मुझे एक हफ्ता हुआ है, मुझे नहीं इस बात का इल्म, तो ये हालात हैं जी नाज़रीन, ये बच्चा जो है बेचारा मजदूरी करता है, लेकिन यहाँ पर ये एक और मशीन आगे लगी हुई है, ये दिखाओ ज़रा, वो दिखाओ, एक और मशीन पड़ी हुई है, और अब जो है ये इसके यहाँ पर कोई भी सानिया हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है, ये तारें देख रहे हैं आप, ये UPS पड़ा हुआ है, वो बैटरी पड़ी हुई है, और किसी भी वक्त हल्की सी चिंगारी से जो है हज़ारों जाने जो हैं वो दांव पे लगी हुई हैं, यकीन करें कि यहाँ पर पुलिस वाले गुजरते हैं, इंतज़ामिया के लोग गुजरते हैं, और बच्चा बता रहा है कि यहाँ से जो है पेट्रोल डलवा के जाते हैं और रिश्वत ले के जाते हैं, लेकिन इसके सेफ्टी मेजर्स नहीं हैं, कोई आलात नहीं है इनके पास कि यहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई आग लग जाए तो उसको कैसे बुझाएंगे, ऐसे ही है बेटा जी, कैसे बुझाओगे, तब पता भाग जाओगे, हाँ अपनी सेफ्टी तो करनी है ना, वो अपनी सेफ्टी करोगे जी, तो लोगों का क्या, वो फिर उनका क्या कहें, आप सेफ्टी के लिए कोई ला तो है नहीं यहाँ पे, होना चाहिए ना, होना चाहिए जी, होना चाहिए, बच्चा भी कह रहा होना चाहिए, लेकिन मालिक जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसका नंबर है, उसका नंबर है, बात हो सकती है, बात हो सकती है, चले जी बात भी करवा देते हैं, लेकिन उससे बात अगर हो जाए तो ठीक है, वरना लेकिन इंतज़ामिया को चाहिए, और जो पुलिस अफसरान यहाँ से गुजरते हैं, जो पुलिस वाले गुजरते हैं, वो पैसे लेते हैं और पेट्रोल डलवाते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको चाहिए कि उनका जो असल काम है वो करें, इसको बंद करवाएं, सील करवाएं, ये फिर भी ये हमारा इस बच्चे से और यहाँ जो इसका मालिक है उससे इख्तलाफ़ नहीं है, ना तो इनके काम से इख्तलाफ़ है, हमें इख्तलाफ़ है तो इनके यानी कि इस काम से, क्योंकि ये काम गलत है, और ये एक तो मेजरमेंट पूरा नहीं है, और दूसरा जनाब पैमाना पूरा नहीं है, रेट ज़्यादा है, और सेफ्टी मेजर्स नहीं है, और ये गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पम्प हैं, और ये लाहौर जैसे बड़े शहर में आपको मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आएंगे, नाज़रीन आप भी अगर फ्यूल डलवाते हैं तो पेट्रोल पंप से डलवाया करें, यहाँ पर कोई ना कोई हादसा रूनमा हो सकता है खुदा ना खास्ता, तो खुदारा इंतज़ामिया को चाहिए, और जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब है फ़िरोज़वाला की दूध के अंदर भी ये मामला चलते हैं, लेकिन अब लाहौर के अंदर ये मामला चलते हैं, DC साहब को भी चाहिए, क्योंकि इनके खिलाफ़ तो वैसे ही क्रैकडाउन हो रहा है, तो इसके सेफ्टी मेजर्स भी नहीं हैं, ये वीडियोस आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी था, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, अपने मेज़बान नई पट्टी को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए SNN न्यूज़।